तुषार कपूर का सेरोगेसी के जरिए 3 साल का बेटा है। तुषार ने साल 2000 में फिल्म मुझे कुछ कहना है से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इक्का तुक्का फिल्मों के अलावा उन्हें खासा कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन जब तुषार से उनके बेटे से जुड़ा एक सवाल पूछा गया कि क्या वो अपने बेटे लक्ष्य को अपनी फिल्म दिखाना चाहते हैं, तो इस पर तुषार ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी कोई भी फिल्म देखे। मेरी माँ ने उसे सिम्बा का आंख मारे गाना जरूर दिखाया था जिसमें मैं भी शामिल था। उसने तुरंत बोला, ये तो आंख मारे के पापा हैं। मैं चाहता हूँ कि लक्ष्य सिर्फ कार्टून और बच्चे वाली फिल्म देखे। मैं उसे बैठकर नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। अगर उसे दूसरों से पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। कई लोगों को लग रहा था कि पिता बनने के बाद मैंने फिल्मों से दूरी बना ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज भी हर तरह की फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। बता दें कि साल 2016 में तुषार सेरोगेसी के जरिए पिता बने थे। इसके बाद उनकी बहन एकता कपूर ने भी सेरोगेसी से मां बनने का फैसला किया। एकता कपूर साल 2018 में सेरोगेसी के जरिए एक बेटे की मां बनी है। तुषार कपूर ने अब फिल्मों के बाद वेब सीरीज में भी कदम रखा है। इस सीरीज का नाम है बू सबकी फटेगी। खैर, तुषार की इन बातों पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे अपडेट के लिए देखिए हमारे चैनल को।